गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरुण यादव बीएलएम स्कूल से। आप आज आप लोग के लिए हम क्लास साइंस क्लास 6 का साइंस लेके आए हैं। सुनना पिछली कक्षा में लोग लेसन फर्स्ट पढ़ चुके थे, आज हम चल लोग लेसन टू पढ़ेंगे। रहे हैं कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं, आज इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फूड इज नेसेसरी फॉर वेरियस फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। वी ऑल्सो नीड फूड टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी, भोजन हमारे शरीर को और हमको स्वस्थ रखता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, हम अपना भोजन पौधे और जानवरों से प्राप्त करते हैं। वी इट क्रिल्स पल्स वेजिटेबल फ्रूट स्पाइस शुगर मिल्क टू गेट आवर रिक्वायरमेंट, हम लोग अनाज दाल सब्जी फल चीनी दूध अपनी रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट की जरूरत हिसाब से लेते हैं। गुड न्यूट्रिएंट्स फूड अलॉन्ग विद गुड डाइटरी हैबिट्स रिजल्ट साउंड हेल्थ एंड गुड मिनरल डेवलपमेंट, अच्छा भोजन से हमारे साथ अच्छा विकास होता है। वी इट फूड फॉर द फॉलोइंग पर्पज, हम लोग भोजन निम्न पर्पज से करते हैं। टू गेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन बॉडी दैट एंड परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस, भोजन करने से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है जिससे हम अपना कार्य कर सकते हैं। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज एंड इन्फेक्शन, बीमारियों और इन्फेक्शन से भी बचाता है। फॉर बॉडी ग्रोथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, और हमारे शरीर के विकास में भी सहायता करता है। अब आते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ते हैं कि भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं। फूड कंटेंट सेवरल काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, भोजन में कई प्रकार के घटक होते हैं। डिफरेंट कंटेंट आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पज, जो अलग अलग घटक हैं वो अलग अलग पर्पज के लिए होते हैं। दे आर नीड बाई अस फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, जो हमारे विकास और हमारे मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। सो दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट, जिसको हम पोषक तत्व के रूप में जानते हैं। द एसेंशियल न्यूट्रिएंट आर, जो निम्न पोषक हैं वो यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन मिनरल्स वाटर और रफेज, ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है इन सब चीज़ों के बारे में। आइए अब पढ़ते हैं इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज कार्बोहाइड्रेट आर द कंपाउंड मेड अप कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है। कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म्ड इन टू प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पौधों में कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस प्रकाश क्रिया से मिलती है। ग्लूकोज शुगर एंड स्टार्च आर टिपिकल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज चीनी और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के तीन पार्ट हैं। शुगर्स एंड स्टार्च मेक मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड, शुगर और स्टार्च हमारे शरीर के अधिक पार्ट से यही बनाते हैं। मेनी पर्पज फूड्स सच एज ब्रेड पिज्जा बर्गर जैम जेली टी सी आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, फूड में जैसे ब्रेड हुआ पिज्जा हुआ बर्गर, इस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा मात्रा में मिलती है। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन एंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए सबसे ऊर्जा का स्रोत है। देयर फोर कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फोर्स, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला पदार्थ माना जाता है, यानी ऊर्जा देने वाला फूड माना जाता है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है तीन प्रकार का होता है, शुगर स्टार्च और सेलुलोज। आइए देख शुगर के बारे में पढ़ते हैं। शुगर आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग स्वीट टेस्ट, शुगर्स आर सॉल्वेंट इन वाटर, शुगर जो होता है कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म होता है जिसको स्वाद में क्या होता है वो मीठा होता है एंड पानी में घुलनशील होता है। द मेन सोर्स ऑफ शुगर इन आवर बॉडी आर ग्लूकोज केन शुगर मिल्क फ्रूट सच एज बनाना एप्पल ग्रेप्स इत्यादि, हमें शरीर में चीनी कहाँ से मिलती है ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलता है, शुगर केन गन्ने से मिलता है, दूध मिल्क से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, फ्रूट में बनाना और एप्पल ग्रेप से हमें चीनी की मात्रा शरीर को मिल जाती है। टेबल शुगर इज मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन,
टेबल शुगर तो जो शुगर कैन से मिलता है, रिफाइंड शुगर इज ए प्योर कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड शुगर जो होता है प्योर कार्बोहाइड्रेट होता है, इट डज नॉट कंटेन एनी मिनरल्स एंड विटामिन्स, या इसमें कोई विटामिन और मिनरल्स नहीं रहता है। दूसरा स्टार्च, स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च होता है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च इज ए टेस्टलेस ऑडरलेस वाइट पाउडर, स्टार्च जो होता है स्वादहीन और गंधहीन सफेद पाउडर होता है। स्टार्च इज इनविजिबल इन वाटर, स्टार्च जो होता है पानी में अघुलनशील होता है, पानी में घुलता नहीं है। स्टार्च मॉलिक्यूल्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स, स्टार्च जो होता है अधिक मात्रा में शुगर शुगर चीनी के अणुओं से बना होता है। इन स्टार्च मॉलिक्यूल्स सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर बाय केमिकल बॉन्ड, इसके अणु जो होते हैं केमिकल बॉन्ड से एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। मेजर सोर्स ऑफ स्टार्च इन आवर बॉडी आवर फूड आर व्हीट राइस मैच एंड पोटैटोज, जो स्टार्च के जो बड़ी मात्रा में जो सोर्स है वो गेहूँ है, चावल है, मक्का है और पोटैटो आलू है। अब आते हैं अगले पार्ट सेलुलोज पे। सेलुलोज इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज भी क्या है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज इज आल्सो टेस्टलेस वाइट पाउडर मटेरियल, सेलुलोज भी क्या है एक सफेद पाउडर मटेरियल है। ए मॉलिक्यूल ऑफ सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, सेलुलोज है जो ग्लूकोज के अणुओं से बना होता है अधिक मात्रा से। सेलुलोज इज प्रेजेंट इन ए प्लांट्स सेल वॉल लाइक कॉटन वुड, सेलुलोज होता है जो पौधों में पाया जाता है, पौधों की कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है जैसे कॉटन हुआ वुड हुआ। अब अगला टॉपिक हम प्रोटीन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।